करने का और इस काले कानून को वापिस लेने के लिए मोदी को बाध्य होना पड़ेगा, ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। धन्यवाद। तो मत सही हो गए दाऊदी, आप यहाँ कितने दिनों से हो? हम यहाँ पर 13 दिसंबर को 12 बजे आके सांझा बॉर्डर पर पहुँचे थे और यहाँ पर हरियाणा की खट्टर सरकार ने हमको बैरिकेड्स लगा के रोक दिया था। उसी दिन से यानी 13 दिसंबर से लेके आज 4 फरवरी तक हमें यहीं डटे हुए हैं। यहाँ पर अकेला हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का ही किसान नहीं आया है, यहाँ पर लगभग भारत के किसान की मौजूदगी है और किसानों का उद्देश्य है कि जो मोदी सरकार ने काले कानून पेश किए हैं, देश पर थोपे गए, उनको वापस लिया जाए। तो ये ट्रैक्टर कहाँ से आए? ये ट्रैक्टर है, ये पंजाब का जत्था है, ये टिगरी बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से तैनात थे, अब ये हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पूरे हरियाणा के अंदर जन जागृति पैदा करने के लिए घूम रहे हैं। कल शाम को रेवाड़ी होते हुए हमारे पास आए थे, आज ये वापिस दूसरे एरिए से होते हुए पूरे हरियाणा को जगाने का काम करेंगे और पूरा देश जागेगा और इस काले कानून को वापिस लेने के लिए मोदी को बाध्य होना पड़ेगा, ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। धन्यवाद। मार भागनी